मैं समीर मंडल हूँ, मैं बादुरिया में रहने वाला हूँ, जो उत्तर चौबीस परगना होता है और बेंगल में। मैं पिछले 5 साल से फार्मिंग करता हूँ। मैं मेरे दो पार्टनर भी है। जमीन 8 to 9 acres होता है, लगभग 20 to 25 quintal डाला गया है। फीड से हम ऑयल केक, मास्टर ऑयल केक मेनली यूज करते हैं, और जो फीड है ना, जो कंपनी का फीड है, जो फ्लोटिंग फीड, वो हम यूज करते हैं। वो फीड हम देते हैं 2 times पर डे, 3 kilograms पर क्विंटल हिसाब से देते हैं। बिजनेस तो पहले नहीं था, तो आप जो आर्टिफिशियल फीड है उसके लिए, उसके वजह से बहुत सारा डिजीज आता है। तो डिजीज मेनली विंटर सीजन में आता है, जो घाव होता है स्किन में, इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसके लिए पोटेशियम परमैंगनेट हम देते हैं। जो इलाका में हम रहते हैं, यहाँ पे पशु फार्मिंग ज़्यादा है, फिश फार्मिंग। तो हम दूर कहीं, जो मुर्शिदाबाद बनदिया और डिस्ट्रिक्ट में हम सेल करते हैं हमारा फिश। यहाँ से 150 to 200 किलोमीटर दूर में होता है वो मार्केट। तो हम वहाँ पर हमारा फिश बेचते हैं। रेट हमारे लोकल जो बाजार है ना, उसके ज़्यादा मिलता है उसके। तो कतला 1 kilogram कतला आपको 120 to 250 होता है। ये नहीं कि हर समय एक जो मूल्य है ना एक ही रहते हैं, मार्केट के आमदनी पर निर्भर करते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम होता है। फिश रुई फिश 1 kilogram रुई फिश 170 to 200 rupees में बिकता है। जो मिरगल है वो 150, सिल्वर कप जो होता है वो 120 to 150 होता है। एक बार फिश छने के बाद आफ्टर 4 months 15 to 20 ton फिश हम निकाल लेते हैं। और जो मार्केट वैल्यू है, आप खर्च तो है, उसके बाद 15-20 lakh होता है।